आडविनो नाइनो थर्टी थ्री बी एल ई सेंस बोर्ड में एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाते हैं जो जेस्चर रिकोगनाइज करेगा जब हम बोर्ड को लेफ्ट एंड राइट मूव करेंगे तो सर्वो जो है वो एक डायरेक्शन में मूव करेगी और अगर हम बोर्ड को अप एंड डाउन मूव करेंगे तो सर्वो जो है वो दूसरी डायरेक्शन में मूव होगी इस प्रोजेक्ट में मशीन लर्निंग के मॉडल को ट्रेन करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट्स डॉट विद गूगल डॉट कॉम वेबसाइट पर जाएंगे और यहाँ ये यह जो टेंसर फ्लो लाइट फॉर माइक्रो कंट्रोलर है इसमें व्यू कलेक्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ पर जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर एक ये प्रोजेक्ट है टाइनी मोशन ट्रेनर तो ये टाइनी मोशन ट्रेनर जो है ये कुछ कुछ गूगल टीचेबल मशीन की तरह काम करता है जहाँ पर कि हम डेटा कैप्चर करके एक मशीन लर्निंग मॉडल जो है उसको ट्रेन कर सकते हैं इसको चलाने के लिए टाइनी मोशन ट्रेनर में जब हम आएंगे तब हम ये लॉन्च एक्सपेरिमेंट इसको क्लिक करेंगे और अब हम टाइनी मोशन ट्रेनर की वेबसाइट पर हैं यहाँ हम कह रहे हैं स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट और टाइनी मोशन ट्रेनर को चलाने के लिए हमारे को एक्चुअली एक आर्डविनो का स्केच जो है वो आर्डविनो पे अपलोड करना है ताकि हम अपने लैपटॉप या पीसी को अपने आर्डविनो बोर्ड से ब्लूटूथ से कनेक्ट कर पाएँ इसके लिए मैं ये लेटेस्ट वर्जन इस लिंक को क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर फिर हम गिटहब की वेबसाइट पर आ रहे हैं और हमारे को ये जो टी एफ माइक्रो मोशन किट ये जो आर्डविनो का स्केच है इसको अपने बोर्ड पे ट्रांसफ़र करना है इसके लिए मैं इस ज़िप फाइल को डाउनलोड कर रहा हूँ और डाउनलोड करने के बाद हम इसको अनजिप या एक्सट्रैक्ट करेंगे तो अनजिप करने के बाद ये ज़िप फाइल थी और इसको अनजिप करने के बाद हमारे को यह आर्डविनो नाम का फोल्डर मिला इस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है टी एफ फोर माइक्रो मोशन किट और इस सब फोल्डर के अंदर एक ये आई एन ओ फाइल है डॉट आई एन ओ फाइल्स जो हैं वो आडवीनो की स्केच फाइल्स हैं तो मैं इसको डबल क्लिक करके आडविनो आई डी ई में खोल रहा हूँ इस फाइल को चलाने के लिए हमारे को एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है तो मैं लाइब्रेरी मैनेजर में जाके यहाँ पर एक लाइब्रेरी को सर्च कर रहा हूँ हारवर्ड तो ये लाइब्रेरी है हारवर्ड टाइनी एम यानी कि टाइनी मशीन लर्निंग आपको ये जो लाइब्रेरी है इसको इंस्टॉल करना है ये मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ आपके केस में ये ऐसे इंस्टॉल का बटन आएगा और आपको इसको दबा के इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है लाइब्रेरी इंस्टॉल होने के बाद आपको इंश्योर करना है कि आपका जो बोर्ड है आठविनो नानो थर्टी थ्री बी एल ई सेंस वो इंस्टॉल्ड है और यू एस बी केबल से वो प्रॉपरली कनेक्टेड है तब हम ये जो हमने स्केच डाउनलोड किया था टी एफ फोर माइक्रो मोशन किट इसको हम अब ट्रांसफर कर रहे हैं अपने Arduino पर हमारा जो स्केच है वो Arduino में अपलोड हो गया है और ये सक्सेसफुली अपलोड हुआ है ये जो एल हैं वो दर्शा रही हैं क्योंकि जो एल हैं वो कलर uh, चेंज कर रही हैं रेड ग्रीन और ब्लू तो ये स्केच सक्सेसफुली अपने Arduino में लोड करने के बाद आपको वापस टाइनी मोशन ट्रेनर पर जाना है यहाँ पर हमने जो कहा था लॉन्च एक्सपेरिमेंट तो लॉन्च एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम यहाँ आए थे और हमने ये डाउनलोड एंड रन लेटेस्ट वर्जन ऑफ आर्टवीनो स्केच ये हमने स्टेप कंप्लीट कर लिया है और अब हम ये कनेक्ट का स्विच दबा रहे हैं तो हमारे को यहाँ पर ये ब्लूटूथ का रिकग्निशन मिल रहा है हमारा जो लैपटॉप है वो रिकग्नाइज़ कर रहा है कि ये ब्लूटूथ से हमारे आर्टविनो को कनेक्ट कर सकता है तो मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ कह रहा हूँ पेयर ये क्योंकि अब ये सक्सेसफुल सक्सेसफुली पेयर्ड हो गया है तो अब हमारे को यहाँ पर हम हमें टाइनी मोशन ट्रेनर जहाँ हम अपने मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं ये मिल गया है यहाँ पर जो ये फर्स्ट है चूज योर सेटिंग्स इसमें मैं सब कुछ डिफॉल्ट छोड़ रहा हूँ और मैं नेक्स्ट स्टेप पे जा रहा हूँ कैप्चर योर डेटा तो कैप्चर योर डेटा में क्वाइट लाइक गूगल टीचेबल मशीन हमें पहले एक लेबल देना है और हम क्या ट्रेन कर रहे हैं कि अगर हमारा जो आर्टवीनो है वो लेफ़्ट राइट मूव करे यानी जेस्चर लेफ्ट राइट है तो उसका हम डेटा कैप्चर करना चाहते हैं तो मैं इस लेबल का नाम दे रहा हूँ लेफ़्ट राइट और मैं कह रहा हूँ क्रिएट न्यू और फिर मैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग करके जो हम जेस्टर रिकगनाइज करवाना चाहते हैं वो यहाँ कर कर रहा हूँ और उसके मल्टीपल सैम्पल्स जो हैं वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और लेट्स हम अराउंड ट्वेंटी सैम्पल्स इसके रिकॉर्ड कर रहे हैं और यहाँ पर जब हमारे ये सैम्पल्स रिकॉर्ड हो गए हैं तो हम एक नज़र इस पर डाल सकते हैं और अगर हमारे को लगता है ये जो हमारे आ, ये जो हमारे को लाइंस मिल रही हैं ये ग्राफ है ये प्लॉट है, है कि जो जायरोस्कोप और एक्सलोरोटर है उसकी उसकी मूवमेंट को कैप्चर करने के ये ये ग्राफ प्लॉट है तो अगर हमें इसको देखकर लगता है कि कोई जो है वो गलत हो गया या बाय चांस लच से रिकॉर्ड करते वक्त आपके हाथ से गिर गया था या कोई गलत जेस्चर हो गया था तो उसको यहाँ पर आप डिलीट कर सकते हो और जब आप यू आर हैप्पी कि ये जो जो भी हमने सैम्पल्स रिकॉर्ड किए हैं ये ठीक है तब फिर हम नेक्स्ट लेवल क्रिएट कर रहे हैं जो हमारे लिए अप डाउन मोशन है तो मैं अप डाउन लेबल का नाम दे रहा हूँ क्रिएट न्यू इसको सिलेक्ट करके अब इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसको फिर हम अप डाउन इसके भी हम अराउंड ट्वेंटी सैम्पल्स रिकॉर्ड करेंगे और मान लो आपसे कोई गलत रिकॉर्ड हो गया जैसे कि ये लेफ़्ट राइट -right हो गया तो यहाँ पर हमारे को नज़र आता है कि ये जो ट्वेंटी फ़र्स्ट है ये बाकीयों से जो इस ये जो ट्वेंटी फ़र्स्ट ग्राफ है ये बाकी ग्राफ से अलग है तो इसको हम डिलीट कर सकते हैं तो अब हमारे पास दोनों लेबल्स के हमारे पास बी बी सैम्पल हैं और इसके बाद फिर हम ट्रेन योर मॉडल पर जाते हैं यूजली क्योंकि जो ये जो आडविनो नानो बोर्ड है ये मशीन लर्निंग के मॉडल्स चला तो पाता है पर इसकी मेमोरी बहुत बड़ी नहीं है तो हम आपको दो तीन लेबल से ज़्यादा लेबल्स नहीं डालने चाहिए वरना वो ठीक से काम नहीं करेंगे तो मे बी आप चार जेस्टर्स को रिकगनाइज़ करा सकते हैं यू कैन ट्राई एन सी बट बहुत सारे जेस्टर्स या बहुत सारा बहुत कॉम्प्लेक्स मॉडल इस बोर्ड पे नहीं चलेगा तो हम अभी दो लेबल्स के साथ ही जा रहे हैं और फिर हम कह रहे हैं ट्रेन या मॉडल और यहाँ पर आप चाहे तो ये ई और ये चूज़ कर सकते हैं मैं अभी सब डिफॉल्ट रख के कह रहा हूँ स्टार्ट ट्रेनिंग ये अब हमारी जो ट्रेनिंग है ये शुरू हो गई है और यहाँ पर हमारे को जो ये दो ग्राफ्स हैं ये दिखा रहे हैं कि जो एवरी टाइम वन ई इज़ रनिंग यानी कि वन कंप्लीट साइकिल ऑफ आर डेटा इज़ बींग यूज टू जनरेट द मॉडल तो क्या हो रहा है और जब ये हमारे हंड्रेड ई पूरे हो जाएंगे क्योंकि हमने हंड्रेड ई पॉक्स यहाँ चूज किए हैं तब हमारा जो मॉडल है वो तैयार हो जाएगा और उसके बाद हम उसको यहाँ टेस्ट करके देख सकते हैं कि वो कितना एक्यूरेट है और अब हम यहाँ टेस्ट या मॉडल में जाके हम यहाँ टेस्ट कर सकते हैं कि अगर हम अपने बोर्ड को लेफ़्ट राइट शेक करते हैं तो ये कह रहा है कि यह हंड्रेड परसेंट शोर है कि ये जेस्चर जो रिकगनाइज हुआ था वो लेफ़्ट राइट right है और अप डाउन में हंड नाइनटी नाइन परसेंट शोर है तो लेफ़्ट राइट अप डाउन लेफ्ट राइट अप डाउन तो ये काफ़ी एक्यूरेट मॉडल है तो लेट्स से वी आर हैप्पी विद इट अगर अगर आपका मॉडल ठीक नहीं काम कर रहा है तो आप यहाँ जाके और डेटा कैप्चर कर सकते हो और फिर आपको दोबारा ट्रेन करना पड़ेगा अपने मॉडल को पर लेट्स रज्यूम कि आप खुश हो अपनी रिजल्ट से तब हम यहाँ फिर कह रहे हैं डाउनलोड या मॉडल क्योंकि हम इस मशीन लर्निंग मॉडल को अपने आडविनो में अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ हमारे को दो ऑप्शन मिलती हैं आडविनो मॉडल एंड एग्जाम्पल या टी एफ मॉडल तो हम क्योंकि इसको आडविनो में चलाना चाहते हैं तो मैं ये आडविनो सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर क्वान्टाइज जो है इसको चेक करना ज़रूरी है बिकॉज क्वान्टाइज़ करने पर ही जो जो इसकी एक बाइनरी फाइल जनरेट होगी इस डेटा की वो Uh, उसकी मेमोरी जो रिक्वायरमेंट्स uh, है वो उतनी होंगी जो कि हमारे बोर्ड पे चल पाएंगी तो ये क्वांटाइज चेक करना ज़रूरी है इसके बाद हम इसको डाउनलोड कर रहे हैं तो जब ये प्रोसेस होके डाउनलोड हो जाएगा तो हमारे को एक और डॉट आई फाइल मिलेगी और उस आई फाइल को हम अपनी आडविनो आई में खोलेंगे और फिर उसको ट्रांसफ़र करेंगे तो ये फ़ाइल जब डाउनलोड हुई है तो ये अगेन uh, एक जिप फाइल की तरह डाउनलोड हुई है मैं इसको अनजिप कर रहा हूँ तो अनजिप करने पे हमारे को ये सारे फाइल्स मिल रही हैं कुछ हमारे मॉडल्स हैं और ये एक टाइनी मोशन ट्रेनर एग्ज़ाम्पल सब फोल्डर है और इसके अंदर ये जो टाइनी मोशन ट्रेनर एग्ज़ाम्पल डॉट आई एन ओ है इसको हम माइक्रो आर्डविनो के आई डी ई में खोल रहे हैं और इसको खोलने के बाद हमारे को फिर से इंश्योर करना है कि हमारा जो बोर्ड है वो ठीक सिलेक्टेड है आर्डविनो नैनो और जो भी आपका पोर्ट है वो और ये सिलेक्ट करने के बाद फिर हम इस स्केच को ट्रांसफर कर रहे हैं जो मशीन लर्निंग मॉडल्स के जो स्केच होते हैं वो काफ़ी टाइम लेते हैं अपलोड होने के लिए बोर्ड पर तो आपको थोड़ा पेशेंटली वेट करना पड़ेगा जब ये अपलोड हो जाएगा फिर हम इसको टेस्ट करके देखेंगे तो जो हमारा मशीन लर्निंग मॉडल है वो कंपाइल होकर अपलोड हो गया है हमें कोई भी एरर मैसेज नहीं मिला है सो दैट्स द गुड न्यूज इसके बाद हम जो ये सीरियल मॉनिटर है इसको ऑन कर रहे हैं और यहाँ पर यह हमें बता रहा है कि एक्सेलोरामीटर सैम्पल रेट हंड्रेड uh, एंड पर यह कलेक्ट करेगा और जायरोस्कोप सैम्पल रेट ये अगेन हंड्रेड एंड नाइन्टीन करेगा तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो मॉडल है वो ठीक से अपलोड हुआ है और इसके बाद अगर मैं अपने आडविनों को लेफ़्ट राइट मूव करता हूँ यह कह रहा है कि uh, जो विनर है लेफ़्ट राइट है और लेफ़्ट राइट की प्रोबेबिलिटी 99 परसेंट थी uh, और अगर मैं इसको अप डाउन करता हूँ तो ये कह रहा है अप डाउन विद अ 99% परसेंट तो लेफ्ट राइट अप डाउन लेफ्ट राइट अप डाउन तो ये जो हमारा जेस्चर uh, रिकग्निशन का मशीन लर्निंग मॉडल है ये ठीक काम कर रहा है अब नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या कर सकते हैं कि हम uh, ये देख सकते हैं कि जेस्चर रिकोगनीशन के बेसिस पर हम कोई और एक्चुएटर या कुछ और चीज़ चला सकते हैं सो so, यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ सर्वो का बट आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि आप एक आर्टिफिशली इंटेलिजेंट जेस्चर बेस्ड कोई मॉडल uh, या कोई डिवाइस बनाना चाहते हो जिसमें कि जब आप अपने आडविनों को लेफ़्ट राइट -right करोगे तो डिवाइस एक तरीके से ऑपरेट करेगा और अप डाउन करोगे तो किसी और तरीके से करेगा सो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सिंपल एक सर्वो चला रहे हैं बट जैसे आप मे बी एक पूरा रोबोटिक आर्म को जेस्चर बेस्ड तरीके से चला सकते हो कि आपने तीन चार जेस्चर्स रिकोगनाइज करवाए और हर जेस्चर का आपने बोला कि सर्वो बेस्ड जो रोबोटिक आर्म है वो अलग अलग सरवोज मूव करेंगी तो वो रोबोटिक आर्म कैसे चलेगा तो दैट जस्ट वन एग्जाम्पल इसी तरीके से आप जेस्चर बेस्ड कुछ भी और चीज़ चला सकते हो कॉन्सेप्चुअली समझने वाली बात है कि हम आर्टिफिशली इंटेलिजेंट डिवाइस बना रहे हैं जो जेस्चर रिकोग्निजन के बेसिस पे चलता है हमारे को ये बनाने के लिए इसमें सर्वो ऐड करनी है तो पहले हम सर्वो की लाइब्रेरी जो है उसको इंक्लूड कर रहे हैं स्केच में और उसके बाद हम अपनी सर्वो को डिफ़ाइन कर रहे हैं कि सर्वो इज़ लेट्स से कॉल्ड माई सर्वो और कैपिटलाइजेशन का ध्यान दीजिएगा फिर हमारे को सर्वो को अटैच करना है और उसको अपने स्केच में बताना है कि हमने कहाँ अटैच करी है इसके लिए मैं स्क्रोल डाउन करके ये जो वर्ड uh, सेटअप है यहाँ पर आ रहा हूँ और यहाँ पर हम कहीं ऐड कर सकते हैं मैं अपनी जो सर्वो है उसको पिन नंबर नाइन पे अटैच करूँगा आठविनो की पिन नंबर नाइन और उसकी स्टार्टिंग पोजीशन होगी ज़ीरो डिग्रीज़ तो ये जो सर्वो की कमांड्स हैं ये तो रेगुलर आर्डवीनो स्केच की कमांड्स हैं जहां पे हम सर्वो को डिक्लेयर करते हैं और सेटअप करते हैं अब इसके बाद हमारे को जो हमारा आ, लूप है उसमें एक कंडीशनल स्टेटमेंट डालना है कि अगर जेस्टर जो है वो लेफ्ट राइट -right हो तो लेट्स से सर वो जीरो डिग्री नाइन्टी डिग्री वन एटी डिग्री वट मूव करे और अगर अप डाउन हो तो वो किस पोजिशन पर मूव करे तो इसके लिए हमारे को यहाँ पर जो ये जेस्चर्स रिकग्नाइज हो रहे हैं और उनका एक मैक्स इंडेक्स ये कोड डिटरमिन uh, कर रहा है तो हमारे को यहाँ पे इनके बेसिस पे कंडीशनल स्टेटमेंट लिखना है पर यहाँ पे अब एक और नई चीज़ ये है कि मान लो हमें नहीं पता कि कोड हमें क्या लिखना है तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो पूरा स्केच का कोड है इसको मैं कॉपी करके चैट जी पी टी जा रहा हूँ और चैट जी पी टी पर मैं एक प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ कि कि आई हैव क्रिएटेड अ मशीन लर्निंग मॉडल दैट रिकोगनाइज टू जेस्चर्स up down and left right using tiny motion trainer to this code i want to add a conditional statement such that if up down gesture is recognized servo moves to 90 degrees and if left right gesture is recognized servo moves to 180 degrees और इसके बाद मैं यहाँ पर पूरा जो कोड कॉपी करके मैं लाया हूँ मैं वो पूरा कोड यहीं पेस्ट कर रहा हूँ और ये प्रॉम्प्ट हम सबमिट कर रहे हैं चैट जीपीटी को हमारे प्रॉम्प्ट के बेसिस में चैट जी हमारे को नया कोड दे रहा है हो सकता है फर्स्ट शॉट में ये कोड ना चले बट मेरे एक्सपीरियंस में अगर चैट जी कोड जनरेट करता है और वो फर्स्ट शॉट में नहीं चलता है तो जो भी आपको एरर मैसेज मिलता है आप उसको वापस चैट जी को बता के आइटरेट कर सकते हो कि वो दो तीन बार करेगा एरर रिकोग्नाइज और उसके बाद कोड ठीक कर देगा बाय एंड लार्ज ये जो मेथड है ये काम कर जाता है आप ट्राई करके देख सकते हो तो ये कह रहा है कि टू इंटीग्रेट द सर्वो मोटर कंट्रोल बेस्ड ऑन रिकगनाइज जेस्चर यू नीड टू एड अ कंडिशनल स्टेटमेंट इन द लूप फंक्शन और फिर वो यहाँ पे हमें कोड दे रहा है तो हम क्या कर रहे हैं कि ये जो कोड है मतलब तो ये कोड को प्रॉब्लली नीचे समझा समझाएगा अभी हाँ वो बता रहा है यहाँ पे कि वो कंडीशनल स्टेटमेंट उसने कैसे लिखा है तो आप अगर अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हो तो आप ये देख के सीख भी सकते हो कि एग्जैक्टली exactly कोड क्या uh, लिखा है और क्यों लिखा है और यहाँ पर फिर आप उसके बाद ये पूरा कोड कॉपी करके वापस आर्डविनो आई में जो ओरिजिनल कोड है मैं उसको डिलीट कर रहा हूँ और उसमें ये कोड डाल रहा हूँ और फिर मैं इंश्योर कर रहा हूँ कि मेरा ठीक बोर्ड और ठीक पोर्ट सिलेक्टेड है और मैं इसको फिर ट्रांसफ़र uh, कर रहा हूँ तो हमारा स्केच कंपाइल हो रहा है लेट्स सी कोई एरर मिलता है कि ये ठीक से कंपाइल हो जाता है एंड अगेन मशीन लर्निंग मॉडल्स के जो स्केचेस हैं वो काफ़ी टाइम लेते हैं कंपाइल होने में तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा तो यहाँ पर हमारा जो स्केच है ये फर्स्ट टाइम पे ही ठीक से कंपाइल हुआ है और अब ये बोर्ड पे ट्रांसफ़र हो रहा है ट्रांसफर होने के बाद हम इसको टेस्ट कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे सीरियल मॉनिटर खोल रहा हूँ और फिर हम अपने बोर्ड को लेफ्ट राइट मूव कर रहे हैं तो वो ठीक प्रिडिक्ट कर रहा है नाइन्टी श्योर है वो कि ये जेस्चर लेफ्ट राइट था अप डाउन लेफ्ट राइट अप डाउन तो ये जो पार्ट था ये ठीक चल रहा है अब जो हमने यहाँ पर ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट यहाँ लिखा है हम इसको टेस्ट करते हैं और बेसिकली हम देखना चाहते हैं कि हमारी सर्वो चलती है कि नहीं तो सर्वो अटैच करने के लिए ये जो हमारी सर्वो है इसकी जो तीन पिन हैं वो हम रेगुलर लगाएंगे वीसीसी की पिन इसके वीसीसी में ग्राउंड की पिन आडविनो के ग्राउंड में और ये जो सिग्नल पिन है ये हमने डिफाइन करी है नाइन पर तो हम इसको पिन नाइन पे लगाएंगे जानने के लिए कि आपके बोर्ड का पिन आउट क्या है आप गूगल में सर्च कर सकते हो आर्डविनो नाइनो थर्टी थ्री बी एल ई सेंस का पिनआउट क्या है और उस पिन आउट के बेसिस में आप देख सकते हो कि कहाँ पर आपकी वी सी सी पिन है वो जो ये चिप है इसके एकदम बगल में है और उसके नेक्स्ट ग्राउंड है और अपोजिट साइड में ऊपर से चौथी पिन जो है ये पिन नाइन है हम अपने आर्डविनो को अपने ब्रेड बोर्ड पर इसके बेसिस पे कनेक्ट कर रहे हैं अगर आपका स्केच लोड ठीक से नहीं हो रहा है तो ये जो बटन है रीसेट का इसको आप दो बार दबाओगे तो यहाँ पर ये येलो लाइट ऑन हो जाती है और तब ये बूट लोडिंग मोड में चला जाता है और आ, उसके बाद जब आप लोड कर लोगे तो आप फिर से रीसेट का बटन दबाओगे तो फिर आपका जो बोर्ड है ये प्रॉपरली अब कनेक्टेड है और हम यहाँ पर अब इसको टेस्ट करके देख सकते हैं तो ये लेफ़्ट राइट मूव करने पे सर्वो को एक तरफ मूव हो रही है और बोर्ड जब अप डाउन जा हम कर रहे हैं तो उस जेस्चर के बेसिस पे दूसरी तरफ मूव हो रही है तो हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये ठीक काम कर रहा है यहाँ पर हमने जहाँ पे ये सर्वो कंडीशनल स्टेटमेंट डाल के सर्वो चलाई थी आप यहीं पर बेस्ड ऑन जेस्चर रिकोग्निशन अप डाउन आप यहां पर और चीजें ऐड कर सकते हो जैसे एक से ज़्यादा सर्वो या कोई और एक्चुएटर या एल या या फिर कुछ और डिवाइस और ऑफकोर्स कोर्ट में उसको आपको ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा आप क्या कर रहे हो बट दैट इज द लॉजिक कि जेस्ट रिकग्निशन के बेसिस पर हम कंडीशनल स्टेटमेंट लिखते हैं और उस कंडीशनल स्टेटमेंट पर हम कोई भी एक्चुएटर जो है उसको चला सकते हैं और इस तरीके से हमारा जो मशीन लर्निंग बेस जो हमारे डिवाइस हैं वो काम करते हैं आई होप आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया और आप इसको बनाना ट्राई करोगे